डर कामयाबी में रुकावट है। डर आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, डर आपको कभी वो नहीं करने देगा जो आप चाहते हैं। कामयाबी कौन सी? वो आखिरत की कामयाबी, दुनिया वाली कामयाबी नहीं। आप में डर होगा तो आप हक बोलने से डरेंगे, आप में डर होगा तो आप किसी के लिए किसी की मदद करने से डरेंगे, आप में डर होगा तो आप वो हर सही काम करने से डरेंगे कि जो सोसाइटी के लिए जरूरत है। तो सबसे पहले वो डर निकाले और हक का साथ दे, सही रास्ते पर आए, ताकि आपकी वजह से लोग उस बात को समझ सके जिसको समझना बहुत जरूरी है। आखिरत की कामयाबी हक बोलने में छुपी है। आप हक का साथ दोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। इसे जो अच्छा बोल सकता है, आप में से जो अच्छा समझा सकता है, जिसको इस्लाम के बारे में नॉलेज है, उस बंदे को चाहिए कि वो बोलना शुरू करे, क्योंकि बोलने वालों की कमी है। आप अपने ग्रुप सर्कल के अंदर, आप अपने फ्रेंड्स के अंदर, अगर आपको पता है हुजूर की हदीस पता है, कुरान मुकद्दस की कुछ आयत पता है, तो आप इस्लाह करें। जरूरी नहीं है कि आप जो है अमामा मानेंगे, टोपी पहनेंगे तभी आप इस्लाह कर सकेंगे, नहीं। आप हर वो शख्स जो कलमा पढ़ता है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो आकर सलाम के पैगाम को हर उस शख्स तक पहुंचाए जिसके साथ वो उठता बैठता है। ये दिमाग से निकाल लीजिए कि ये काम और लोगों का, ये आपका भी है, आप भी इसके लिए कोशिश करें। अगर आप इसके लिए कोशिश करोगे तो अल्लाह आपको इज्जत अता करेगा। और सोसाइटी के अंदर जरूरत नौजवानों की बोलने की है, तो जितने भी नौजवान मेरे दोस्त अहबाब और आपके दोस्त अहबाब है, उनको चाहिए और उनको कहिए कि आप भी बोलना शुरू करें, आप भी हदीसें बयान करना शुरू करें, आप भी समझे, लोगों की इसलाह करना शुरू करें, लोगों के अमाल की इसलाह करना शुरू करें, और सबसे पहले खुद की इसलाह करें। ये बात दिमाग से निकाल लेना कि हम लोगों की इसलाह करेंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे कि यार तू खुद की तो इसलाह नहीं किया, तू खुद तो सही नहीं है। तो देखिए, ऐसे लोग तो कभी खत्म नहीं होने वाले। उन लोगों की कभी इसलाह नहीं हो सकती जो किसी और की इसलाह को कबूल ही नहीं करते, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। इंसान, हर इंसान धीरे धीरे तब्दील होता है। वो लोग जाहिल है जो ये बात करते हैं कि यार जा पहले तू सुधर जा, या तू जा पहले तू खुद अमल कर ले, वो इंसान, ऐसे इंसान को नहीं समझाना आपको। उन लोगों को दावत देनी है जो समझते हैं कि ये बंदा क्या कह रहा है, और आपको रुकना नहीं, आपको कंटिन्यू उस दावत को देते रहना है। एक ना एक दिन वो लोग आपकी बात को कबूल करेंगे, और उसमें से कुछ ही लोग होंगे जो आपकी इस बात को पसंद नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा इस बात पे ट्रोल करते रहेंगे कि तू खुद सही नहीं है। तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है आपको, आपके रसूल के लिए काम कंटिन्यू करते रहना है, तब जाके सोसाइटी के अंदर बदलाव आएगा, नौजवानों के अंदर बदलाव आएगा। और उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आपके पास कोई लोग आते हैं तो आप कहते हैं जा पहले अपनी खुद की इसलाह कर ले, देखे मेरे भाई वो खुद की इसलाह कर चुका है, तो ही तो आपके पास बात बताने के लिए आया है। आप वो बात नहीं बता सकते जो वो शख्स आपकी इसलाह कर रहा है, वो आपको समझाने के लिए आया है। अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी है तुमको समझाने की, तो आप उसकी बात को कबूल करें, ना कि उसको ये कहे कि जा तू पहले अपनी इसलाह कर ले। असल में आपकी इसलाह की जरूरत है कि आप उसको ऐसा कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों सुधरे। जो लोग ये किसी कोई दाई दीन या कोई बच्चा या कोई नौजवान उनके पास आकर कहता तो कहता है वो खुद सही नहीं है, यार आपके इस कहने से उसकी हिम्मत टूटती है, वो आगे बोल नहीं सकेगा, वो आगे बात नहीं कर सकेगा, वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। जो भी शख्स आपके सामने अगर कुछ बात अच्छी लाता हो कुरान या हदीस की, तो उसको प्यार से बैठाए, उसको कबूल करे। जिस दिन आप दावत देने वाले की इज्जत करोगे ना, तो वो बंदे को अप्रिशिएट होगा अंदर से वो, और काम करने में उसके अंदर जज्बा आएगा। आप पहले ही टोक देते हो कि जा तू पहले अपनी इसलाह कर, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे बोलेगा? फिर हम सोसाइटी का रोना रोते हैं, हम हमारी कौम का रोना रोते हैं कि कौम के हालात खराब है। कौम के हालात खराब ही रहेगा ना, क्योंकि आप जैसे लोग मौजूद है कौम में। जब इसलाह करने वाला आता है तो तुम उसकी इसलाह थोड़ी लेते हो, तुम तो उसके ऊपर लान तान करते हो। तो जो इसलाह कर रहा है, मेरे भाइयों में से बहुत सारे मेरे दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक चैन बन रहा है मेरा कि वो लोग जो इसलाह कर रहे हैं। नौजवानों को चाहिए, आप टी शर्ट पहनते हैं ठीक है आप इसलाह कर सकते हैं, आप कफनी पहनते हैं आप इसलाह कर सकते हैं, आप जो भी पहनते हैं आप इसलाह कर सकते हैं। आपको तक, आप तक जो बात पहुंची अकाली सलातो सलाम की, आप अपने भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि ये बात मैं करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। आप बात पहुंचाते रहे पहुंचाते रहे, इतनी पहुंचाए कि एंड पर आपकी मौत आ जाए और आप कब्र में चले जाए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा।